वैसा ही है। देखें अभी इस वक्त हमारी आवाम जो है कराची की बल्कि पूरे पाकिस्तान की चार्ज है, माशाल्लाह उनको हक और सच का पता चल गया है कि हक पर कौन है सच पर कौन है। अब यही वजूहतें हैं जिसकी बिना पर आज आप देख सकते हैं हमें जम्मे गफीर मौजूद है आवाम का, इसमें कारकुनान के अलावा आम आवाम भी मौजूद है। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि आवाम बाहर निकल गई है और समझती है कि इंसाफ क्या है नाइंसाफ़ी क्या है। तो इस वजह से अब ये तमाम आप देख रहे हैं जब से इलेक्शन हुए, ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान में 35 हुए हैं उसमें से 28 पर इमरान खान साहब ने सीट ली हैं। तो वो आपको पता है ये लोगों की हार हर जगह मौजूद है, ये कराची में हो या कराची से बाहर हो, जहाँ पर भी इलेक्शन लड़ेंगे इनको हारना है जब भी ये भाग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम अब जाग चुकी है, शऊर आ चुका है, इमरान खान साहब ने शऊर दे दिया है आवाम में। और आप अब ये देखिएगा कि इंशाल्लाह इनको किक आउट करेंगे कराची से भी बल्कि पूरे पाकिस्तान से, चोरों डाकों को भगाएंगे। और उसके लिए हमारे साथ सबसे बढ़कर है जो हमारी ताकत है वो आवाम है। अगर आवाम जिसके साथ है तो चाहे वो उसमें कोई भी आ जाए, चाहे जितने भी मजबूत इदारे हैं, जो हिडन इदारे हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इंशाल्लाह आवाम के आगे सबको झुकना पड़ता है और इंशाल्लाह झुकेंगे। जो 75 सालों से पाकिस्तान में हो रहा है बच्चा बच्चा जानता है, इमरान खान साहब ने सबको एक्सपोज कर दिया है। और यही वजह है कि इंशाल्लाह अब जो है पाकिस्तान में तरक्की आएगी। बस मेरी कराची की आवाम से ये अपील है कि अभी बल्दियाती इलेक्शन 15 तारीख को हैं, निकलें बाहर, निकलें इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए निकलें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलें। और इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ साथ हम कराची को जो है ना, कराची को इंशाल्लाह अमन का गहवारा भी बनाएंगे, यहाँ की सड़कें, सेवरेज, वाटर की सारी प्रॉब्लम जो है वो हम हल करेंगे इंशाल्लाह रहमान। 15 तारीख का मेरा पैगाम है कि अपने लिए निकलें, अपने बच्चों के लिए निकलें, क्योंकि जितने पार्क्स थे, जितनी सड़कें थीं, सब टूट फूट का शिकार हैं। जहाँ पे पार्क्स हैं वो बन गए चरसियों का अड्डा, नशे का अड्डा। आने वाली आपके बच्चों के लिए, नस्लों के लिए आप बाहर निकलें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब बनाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होगी तो आप हमारा गिरेबान पकड़ेंगे, हम जिम्मेदार होंगे। आप देख चुके हैं, सबको आजमा चुके हैं कि इस पाकिस्तान में 75 सालों से जो होता रहा है वो सबके सामने। अब कराची को इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक हम बना के दिखाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर कराची होगा इंशाल्लाह। मैं मोहम्मद साजिद, मैं लांडी टाउन UC 3 का नामजद चेयरमैन हूँ। ये हमारे वहीद भाई हैं, वाइस चेयरमैन है, जो कि UC 10 लांडी टाउन से वाइस चेयरमैन है। मेरे साथ आबिद अब्बासी मौजूद है जो UC 3 के वाइस चेयरमैन लांडी टाउन से हैं। तो हम यादें करते हैं कि इंशाल्लाह हम अपने इलाके को खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की अंतक कोशिश करेंगे ईमानदारी के साथ। और इंशाल्लाह हमारे साथ पाकिस्तान की, हमारी यूसी की आवाम मौजूद है, हमारे टाइगर्स मौजूद हैं। ख़ास तौर पे मैं अपनी ख़वातीन को कहूँगा कि वो अपने घरों से निकलें, 15 तारीख को वोट डालें, क्योंकि ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, आप कामयाब होंगे, पाकिस्तान कामयाब होगा।